प्रोफेशनल बहू। मीना का कोई भाई नहीं था, उसके पिता ने भी उसे कभी लड़कियों वाले कोई गुण दिए ही नहीं। देख मीना, पूरी दुनिया का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन तेरी पहचान सिर्फ तेरे ओहदे से होगी कि तू करती क्या है। बेटा सब चीज फालतू है सिवाय तुम्हारे काम के, समझी? समझ गई पापा, हम हर काम के लिए नौकर रख सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारा काम कोई नहीं कर सकता। और हम जितना पैसा कमाएंगे, लोग हमें उतना ही पूछेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है ना पापा? बेटा बिल्कुल सही। अगले रोज मीना की माँ बीमार हो जाती है। माँ कहाँ हो? अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ की तरफ से कोई आवाज न आने पर मीना बाहर आती है। उसे कोई नहीं दिखता तो वो सीधे माँ के कमरे में जाती है, जहाँ माँ बिस्तर में लेटी होती है। बेटा मीना, खुद चाय बना ले और हो सके तो एक कप मुझे भी दे देना। मीना घड़ी देखती है। ओहो, मुझे तो लेट हो रहा है। क्या माँ पहले बता देती कि बीमार होने वाली हो, मैं कुछ प्लानिंग कर लेती। अब मैं बाहर कुछ खा लूंगी, तुम अपना देख लेना। अरे बेटा, तेरे पापा भी चले गए ऐसे छोड़कर, तू मत जा, डॉक्टर को तो बुला दे कम से कम। लेकिन मीना नहीं सुनती, वो चली जाती है। शाम को जब बाप बेटी घर आते हैं तो माँ नहीं होती। अरे तुम्हारी माँ नहीं है, कहाँ गई? पता नहीं, सुबह बीमार थी, हो सकता है डॉक्टर के पास गई होंगी। अच्छा ठीक है, फिर खाने का क्या करे, खाना भी नहीं बनाया होगा। क्या पापा, खाने के लिए ये फोन है ना, अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। और पापा आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, कल मेरी मीटिंग है। बाप और बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पिता को बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो, जैसे खुद थे बेटी को भी वैसा ही बना दिया। मैं बीमार थी, मर रही थी, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पिता चिट्ठी साइड में रखता है, कुछ सोचता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह, ओहो माँ ने आज भी चाय नहीं बनाई। माँ चाय दो ना, कहाँ हो, ऑफिस के लिए रोज देर कराती हो। तभी एक काम वाली आती है और मीना को चाय देती है। कौन हो तुम? पिता भी आ जाते हैं और मीना को चिट्ठी देते हैं। तुम्हारी माँ को हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, चली गई छोड़कर, उसे क्या पता कि हम उसके बिना मर नहीं रहे। ये मालती है, घर की मेड, आज से सारा काम ये करेगी। और हाँ, तेरी माँ से अच्छा खाना बनाती है, मैंने अभी खाया है। ठीक है पापा, मैं चली ऑफिस। मालती फटाफट खाना बनाकर पैक कर दो। मीना और उसके पिता मशीनी जिंदगी जी रहे थे कि एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है, मैं अब शायद इंडिया कभी वापस ना आऊं। ओहो पापा, फिर मैं कैसे रहूंगी? पता नहीं माँ भी कहाँ है अब। ऐसा कर बेटा, तू शादी कर ले, दो चार लोगों के साथ रहेगी तो मन लगा रहेगा, अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और काम के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है पापा, देख लो कोई लड़का फिर जो अच्छा कमाता हो। पिता बेटी के लिए लड़का देखता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है। बेटा शाम को हम लोगों को प्रशांत के घर जाना है, एक बार उससे मिल लो, शायद तुमको ठीक लगे। मीना पिता के साथ प्रशांत को देखने जाती है। उनके घर से प्रशांत के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा होता है। मीना को देखने प्रशांत का पूरा खानदान आया था। मीना ये मेरी बुआ है और ये चाची, सब तुमको देखने आए हैं। वो क्या है ना, हमारा पूरा परिवार साथ ही रहता है। साथ? यहाँ इस घर में? अरे नहीं नहीं, इस घर में तो सिर्फ हम रहते हैं, लेकिन हाँ आसपास ही हैं सब, सुख दुख में सब साथ साथ हो जाते हैं। मीना को प्रशांत से बात करके अच्छा लगता है। वो अपने पिता के साथ घर आती है और तो कैसा लगा सब? ठीक है पापा, मैंने कौन सा घर में रहना है? हाँ बेटा देख लेना, अगर ठीक लगे तो रहना, नहीं तो तलाक देकर अमेरिका आ जाना, वहाँ तुम्हारे लिए कोई लड़का देख लूंगा, वो लोग तो यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ पापा। पापा लेकिन आज माँ होती तो? पिता को मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। देखो बेटा, कमजोर नहीं होना है, रिश्ते सिर्फ हमें कमजोर बनाते हैं। आज ये लोग सारे जो तुम्हें देखने आए थे ना, ये तुम्हें देखने नहीं आए थे, ये तो ये देखने आए थे कि क्या लड़की भी इतना कमा सकती है। देखो बेटा साफ साफ बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
मीना भी पिता के कहने पर ही चलती है और शादी करके ससुराल जाती है, जहां उसे भरा पूरा परिवार मिलता है। बेचारी की माँ इसे छोड़कर चली गई थी, तब से बिना माँ की बच्ची है। लेकिन देखो, पढ़ाई भी की और काम काजी लड़की है, कभी फटकी नहीं रहा से कि माँ नहीं है तो कुछ भी करे। मीना दोनों की बात सुन रही थी। वो उन लोगों की बात सुनकर कमरे में आती है और पिता को फोन करती है। पापा, आपने माँ के बारे में क्या बताया है इन लोगों को? यही कि तुम्हारी माँ तुम्हें और मुझे छोड़कर भाग गई है। और क्या कहता, हम लोगों को पैसा कमाना था, उसकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा तुमने, ये सब कहता क्या? मैंने ख्याल नहीं रखा पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? और क्या मीना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा भी था कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना था। तुम्हारे जाने के बाद उसे खून की उल्टी हुई, पड़ोसन के घर के दरवाजे में जाकर गिरी तेरी माँ। और चुप हो जाओ पापा, आपने कौन सा माँ का ख्याल रख लिया? पिता माँ की जाने का जिम्मेदार सिर्फ मीना को बताते हैं, जिससे मीना काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी मीना की सास आ जाती है। मीना बेटा, रोते नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और क्या हुआ, पापा अमेरिका जा रहे हैं, तुम जाती रहना मिलने बेटा। नहीं जाना मुझे कहीं भी किसी से मिलने, हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा मूड ठीक नहीं है। सास मीना को समझती है, उसे पता होता है कि वो अकेली है, शादी के बाद अपना घर छोड़कर आई है। वो वहाँ से बिना बुरा माने चली जाती है। अगले रोज सुबह मीना उठती है, जब सब घर में सो रहे होते हैं वो तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन दोपहर में, मैडम आपसे मिलने कोई आदमी आया है। मेरे ऑफिस में कौन मिलने आया? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, जहाँ उसके ससुर हाथ में टिफिन लेकर बैठे होते हैं। बहू, वो क्या है ना, हम लोगों के घर सबको देर से उठने की आदत है, तो खाना देर से बनता है। प्रशांत भी ऑफिस में देरी से ही जाता है, लेकिन तेरी सास ने कहा है कि वो कल से वक्त पर उठा करेगी। मीना ससुर को देखकर सोचती है कि क्या जरूरत थी इन्हें इतनी दूर आने की, इसीलिए कि सिर्फ मैं भूखी ना रह जाऊं ससुर इतनी दूर आए। वो ससुर के हाथ से खाना ले लेती है। मीना की जिंदगी अब शादी के बाद बदलने लगती है। वो घर जाती है, जहां प्रशांत अपनी बहन से बात कर रहा था। अरे महक, तू क्यों परेशान होती है, तेरा भाई है ना? हाँ बेटा प्रशांत, तेरी बहन परेशान है, जा उसे लेकर आ जा। मीना देखती तो सब है, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछती कि क्या हुआ। वो कमरे में जा रही थी कि मीरा तुम सो जाना, मैं महक को लेने जा रहा हूँ उसके ससुराल। वो क्या ना, उसे बेबी होने वाला है और उसका मन माँ के पास रहने का कर रहा है। ठीक है। मीना की ननद घर आती है। वो देखती है कि कैसे माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है, कैसे बेटी माँ के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती है। लेकिन मीना की माँ, माँ कहाँ हो तुम, मुझे माफ कर दो माँ। वो रो रही होती है कि पति का हाथ उसके कंधे में आ जाता है। माँ की याद आ रही है, लेकिन रो क्यों रही हो, वो अच्छी नहीं थी, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाती ना। शट अप, मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। नहीं है मेरी माँ, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। ये तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं कि वो कहाँ है, रुको मैं उनसे बात करता हूँ। प्रशांत मीना के पापा से बात करता है और मीना की माँ का पता लगा लेता है। वो मीना को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। मीना बेटा, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, शादी हो गई तेरी। मीना, माँ का काम तो काम वाली कर देती होगी ना, माँ की तो कभी याद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा कैसे हैं? इतने साल बाद माँ को देखकर मीना उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? माँ मुझे माफ कर दो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, माँ मेरे साथ रहो, मुझे माफ कर दो। पर बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, कौन सी माँ बेटी के ससुराल में रहती है? मीना पति की ओर देखती है। माँ, मीना का घर है वो, और आप उसकी माँ। मीना पति का फैसला समझ जाती है और माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है।